शुभ संध्या, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप हमारे चैनल हिंदी विद पूजा यूपी बोर्ड। उर्वशी नामक शीर्षक की पद्यांशों की व्याख्या भाग दो में हम पुनः ले आए हैं, जो कि उर्वशी और पुरुरवा के बीच की संवाद से संबंधित पद्यांश है। उर्वशी पुरुरवा के समक्ष अपने भावों को प्रकट कर रही हैं और कहती हैं, जन जन के मन की मधुर वही, मैं व्यक्ति की मन में जलने वाली मीठी ज्वाला हूँ, प्रत्येक हृदय की उजियाली और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय का प्रकाश हूँ। नारी की मैं कल्पना चरम नर के मन में बसने वाली, मैं मानो मन में नारी की चरम कल्पना बनकर निवास करती हूँ। विषधर के फन पर अमृत वर्ती और मैं सांप के फन पर लगा हुआ टीका हूँ, जो बत्ती के समान दिखाई देता है। उदत अदम में बरबल बल पर रूपांकुश छिड़ में डाल ताल, और मैं बड़े बड़े आतताइयों और शक्तिशाली व्यक्तियों की शक्ति को कमल की नाल के समान तार तार कर देती हूँ। मेरे समुख नत हो रहते गजराज मत, मेरे समक्ष मतवाली हाथी भी सर झुका के रहते हैं। केसरी सरब श्रादूल भूल निज हिंस भाव। उर्वशी कहती हैं कि मेरे समक्ष सिंह सरब और चीते आदि सभी अपनी हिंसा वृत्ति को छोड़कर गृह मृग पालतू हिरन बनकर समान निर्विष अहिंसक बनकर जीते। मेरे समक्ष यह हिंसा वृत्ति को छोड़कर पालतू हिरन के समान अहिंसक बनकर जीते हैं। मेरी भू स्मृति को देख चकित विस्मित विभोर सुरमा निमीस खोले अवाक रह जाते हैं। उर्वशी आगे कहती है कि मेरे भ्रिकुटी संचालन को देखकर बड़े बड़े वीर मेरी ओर विस्मित और आश्चर्य चकित भाव से देखते रह जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। स्लथ हो जाता स्वमेव सीजनी का कसाव, संशस्त्र करों से धनुष बाढ़ गिर जाते हैं। उनके धनुष की डोर स्वयं ढीली पड़ जाती है और उनके कांपते हुए शिथिल हाथों से धनुष बाढ़ गिर जाते हैं। अर्थात मेरे स्वरूप और सौंदर्य का आकर्षण सबको मोहित कर लेता है। आगे की पंक्तियों में पुरुरवा को अपनी विशेषताओं से अवगत कराते हुए उर्वशी कहती हैं, कामना वही की शिखा मुक्त में अनवरुद्ध, मैं अप्रतिहत, मैं दुर्निर्वाज, मैं कामना रूपी अग्नि की बाधा रहित शाखा हूँ। मैं अप्रतिहत, मैं दुर्निर्वाज, अप्रतिहत बिना रुके, दुर्निर्वाज मतलब जिसे रोकना कठिन हो, अर्थात मुझे रोका नहीं जा सकता और ना ही मुझे मेरे पद से हटाया जा सकता है। मैं सदा घूमती फिरती हूँ, पवन आंदोलित वारित तरंग पर समासीन निहार आवरण में अंबर के आर पार उड़ते मेघों को दौड़ बाहों में भरती, स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलंघन करती। मैं सदा घूमती फिरती हूँ। उर्वशी पुरुरवा से कहती हैं, मैं सदैव घूमती रहती हूँ पवन आंदोलित वारित तरंग पर समासीन, मैं हवा के द्वारा उठी हुई बादल की लहर पर विराजमान हो जाती हूँ। निहार आवरण में अंबर के आर पार और मैं आकाश में इधर उधर उड़ते मेघों को दौड़ बाहों में भरती, इधर उधर दौड़ लगाने वाले और ओस के छीने आवरण से ढके हुए बादलों को अपनी भुजाओं में भर लेती हूँ। स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती, मैं स्वप्न प्रतिमाओं का आलिंगन करती हूँ। विस्तृत सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप या मेरा उर्द, विस्तृत सागर के मध्य में जिस प्रकार शून्य और एकांत द्वीप होता है, उसी प्रकार मेरा हृदय, मेरा मन है।